और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति ने हमास के आतंकियों से बातचीत की है। इब्राहिम रईसी ने हमास लीडर इस्माइल हानिया से बात की है। ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसराइल में हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। तो ईरान के राष्ट्रपति ने हमास के आतंकियों से बात की है, इब्राहिम रईसी ने हमास लीडर इस्माइल हानिया से बात की है, और जिस तरीके से हमास की तरफ से इसराइल पर अटैक किया गया, ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि इसराइल में हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल देखा गया है। इसराइल और फिलिस्तीन जंग से तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की आशंका बढ़ गई, और इसी कड़ी में दुनिया के देश अलग अलग पूरी तरह दो हिस्सों में बंट चुके हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 दिनों का साथ देने के लिए शुक्रिया बोल चुके हैं। इसीलिए बड़ा सवाल है कि इस जंग में कौन देश किसके साथ है, दुनिया के कौन से देश इसराइल के साथ खड़े हैं, कौन कौन फिलिस्तीन के साथ है। अभी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये देखिए, इसराइल के साथ कौन कौन है, पहले ये देख लीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अल्बेनिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन, लगभग जितने भी सुपर पावर्स हैं वो आपको इसराइल के साथ दिखाई देंगे। आप फिलिस्तीन की बात करते हैं, यानी कि हमास एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसके साथ कौन खड़ा है? चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत, खाड़ी देश, और ध्यान रखिए कि ईरान पूरी पूरी मदद कर रहा है। तटस्थ ये देखिए किस तरीके से, भारत और रूस, ये भी कौन देश है किसके साथ में, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत किसके साथ खड़ा है। फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान, इजराइल के ये दुश्मन देश हैं, और लेबनान तो परेशान करना शुरू भी कर चुका है। फिलिस्तीन और लेबनान ने दो तरफ से घेर लिया है, वेस्ट बैंक से घेरा गया है, इधर गाजा पट्टी से घेरा गया, उधर लेबनान से भी हमले किए जा रहे हैं। सीरिया भी इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन है, और इसी तरीके से ईरान, ये चारों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। कहते हैं ना, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। इसी तरीके से आप ये देखिए, यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया है, और लेबनान और फिलिस्तीन जो है अब साथ आ गए हैं, और ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। तो इसराइल की चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसराइल इस वक्त गाजा में घुसने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन उसे बहुत बड़ी वार्निंग भी मिल गई है। अब इसराइल को समझ नहीं आ रहा है कि गाजा में अगर कदम रखा तो कहीं ये उसके लिए इस युद्ध की सबसे बड़ी गलती ना साबित हो। इस दौरान हमास ने फिर से इसराइल पर हमला करके साबित कर दिया है कि वो इसराइल को मारने का कोई मौका नहीं चूकेगा। नेतन्याहू उस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए। गाजा में हमास के अड्डों पर जब जब बम गिरता है, नेतन्याहू चैन की सांस लेते हैं। गाजा को पूरी तरह मिटाने का उनका प्लान तैयार है। इजराइल अब गाजा की एक एक गलियों में अपने दुश्मन को खत्म करना चाहता है। हमास के बहुत ही खतरनाक हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, और इस वक्त गाजा पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सवाल है कि क्या इजराइल के पास इतनी ताकत है कि वो गाजा में एक ऐसा ऑपरेशन चलाए जो हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा। ऐसे ग्राउंड ऑफेंसिव यानी गाजा में घुसकर ऑपरेशन करने के लिए इजराइल को तीन चीजों की जरूरत है। पहली है फौज यानी पैदल सेना, दूसरी है बख्तरबंद वाली ताकत यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, और तीसरा है तोपखाना जो सेना का रास्ता क्लियर करे। अभी तक इसराइल ने जो एक्शन लिया है उसमें गाजा में हवाई बमबारी है जिसमें कई इमारतें पूरी तरह तबाह की जा चुकी हैं, लेकिन असली मकसद तब पूरा होगा जब गाजा की जमीन पर उसकी फौज का कब्जा होगा। सवाल है कि इसराइल ये किस हद तक कर पाएगा, उसकी ताकत क्या है, उसके जरिए क्या हैं, और क्या ये लंबे वक्त तक मुमकिन है। इसराइल के पास 1,70,000 की आर्मी है, और रिजर्व को मिलाकर इसराइल की सेना 6.25 लाख तक हो जाती है। इसराइल के पास 500 से ज्यादा टैंक, इसके अलावा 1,000 टैंक रिजर्व में है।
इनमें उनका मेन बैटल टैंक मरकावा है, मरकावा 4, मरकावा 3। ये टैंक दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक माने जाते हैं। इजराइल के पास 800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि रिपोर्ट्स है कि उसके पास 3000 से ज्यादा रिजर्व में रखी हुई हैं। इजराइल की आर्टिलरी यानी उसके तोपखाने में 1000 से ज्यादा हथियार हैं। इनमें तोप भी हैं और रॉकेट सिस्टम भी है। इजराइल की सेना की ताकत पर किसी को कोई शक नहीं। इजराइल अरब देशों के साथ कई युद्ध लड़ चुका है और जीता भी है। इसकी वजह उसकी तकनीक के अलावा अमेरिका से मिलने वाले हथियार भी हैं। लेकिन इस वक्त गाजा का ऑपरेशन इमरजेंसी में हो रहा है और युद्ध के हालात ऐसे हैं कि इजराइल पर लेबनन से भी हमले का खतरा है, इजराइल पर सीरिया से भी हमले का खतरा है, इजराइल पर ईरान भी हमला कर सकता है और मिस्र से भी इजराइल को बहुत सख्त संदेश मिल चुका है। गाजा में जमीनी अटैक करने के साथ साथ इजराइल के सामने मल्टी फ्रंट की चुनौती है, लिहाजा गाजा में पूरी तरह सेना को उतार देना इजराइल की अकलमंदी नहीं कही जाएगी। उसको बाकी फ्रंट पर भी तैयार रहना होगा। צה"ל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל. הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים. יש לחימה וקרבות אירועים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה. במהלך הלחימה, מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו. מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלקחו בשבי. इजराइल के सामने ईरान दुश्मन नंबर 1 है, इजराइल के सामने लेबनन का हिजबुल्ला दुश्मन नंबर 2 है, इजराइल के लिए सीरिया दुश्मन नंबर 3 है, इजराइल के लिए यमन दुश्मन नंबर 4 है, इजराइल के लिए इराक दुश्मन नंबर 5 है। इजराइल मिस्र समेत बाकी अरब देशों पर भी यकीन नहीं कर सकता है। ये वो देश है जो हमास का पूरी तरह समर्थन करते हैं। العسكرية الواسعة التي بدأتها كتائب الشيخ عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس تأتي في سياق استمرار النضال الوطني الفلسطيني وفق القانون الدولي وردا على انتهاكات الاحتلال اليومية بحق المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا والاعتداء على المرابطين والمرابطات وأيضا القتل اليومي في الضفة الغربية ومئات الشهداء الذين سقطوا هذا العام وأيضا لتحرير الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال. अब इजराइल इतने देशों को देखे कि गाजा में अपनी सेना लंबे वक्त तक उतार दे, क्योंकि एक बार गाजा में ऑपरेशन शुरू किया तो इजराइल के बाकी दुश्मन उस पर चढ़ाई कर देंगे। ऐसी वार्निंग इजराइल को मिल चुकी है। अब ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए इजराइल को अपनी सेना के हिसाब से चलना होगा। उसको अपने टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी देखनी होगी और अपने कमांडो दस्ते को फुल प्रूफ प्लान देना होगा, ताकि गाजा में उन ठिकानों को मिटाया जा सके जहां से इजराइल पर हमले लॉन्च किए गए। इजराइल का दावा है कि गाजा से जो हमले हुए उसमें 21 ठिकानों को निशाना बनाया गया, यानी गाजा में कम से कम ऐसे 15 से 20 लॉन्च पैड होंगे जहां से हमास के हमलावर इजराइल में दाखिल हो गए। अब वहां चढ़ाई करने के लिए इजराइल को सबसे पहले अपनी टैंक पावर का इस्तेमाल करना होगा और इसमें उसका सबसे खतरनाक टैंक मरकावा सबसे आगे नजर आएगा। वैसे भी इजराइल से इस तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें टैंकों को गाजा की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। ये नेतन्याहू की युद्ध वाले ऐलान को पूरा करने वाला कदम कहा जाएगा, जिसमें गाजा पर जमीनी चढ़ाई करने का इरादा पक्का नजर आ रहा है। इजराइल ने जब गाजा में एक इमारत पर बम गिराने का इरादा किया तो उससे पहले गाजा में यह जानकारी पहुंच गई कि इजराइल अब एक इमारत गिराने जा रहा है और आसपास के लोग बाहर ना निकले। قال بدي بلغ الجماعه يطلعوا ما يطلعوش من البيوت خليك في البيوت بدنا ننزل برج الوطن فقالوا العام ما ينفعش نضل في البيت وتنزل برج لا مش هيتاثروا خليكم قاعدين في البيوت حننزلوا بالراحه يعني فقلنا له ما بنقدر الا نطلع من البيوت يعني فطلعنا من البيوت تقريبا الساعه تقريبا 5 بالضبط عدا الفجر بعد ما طلعنا ضربوا صاروخ زنانة بعد ما ضربوا صاروخ زنانة نزلوه كليا البرج يعني البرج انت عارف برج هذا برج يعني سكني برج مكاتب. इसके बाद जब इस बिल्डिंग को गिराया गया तो आप तबाही का अंदाजा देख सकते हैं। इजराइल अब पूरी तरह बदला लेना चाहता है और हमास उसका सबसे बड़ा टारगेट है। इजराइल किसी भी ऐसी इमारत को नहीं छोड़ रहा जहां उसे लगता है कि हमास के हमलावर हो सकते हैं। गाजा में इस वक्त कई जगह मलबा ही मलबा फैला हुआ है। यहां बहुमंजिला इमारतें गिराई जा रही हैं।
कब कहां इजराइल का बम आकर गिरेगा कोई नहीं जानता, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल रात में भी हमले कर रहा है और दिन में भी उसका अटैक जारी है। हमास को लेकर इजराइल की नीति अब साफ है, लेकिन ऐसे हमलों में वो लोग भी मारे जाएंगे जिनका हमास के हमले में कोई हाथ नहीं। ودون إخبار أحد من الجيران روعوا الأطفال روعوا الشيوخ روعوا النساء كبار السن مصاحف بعثرات المسجد قلب عن بكرة أبيه। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया है। वो एक तरह से इजराइल की सेना पर नाकामी का एक बहुत बड़ा धब्बा लगा चुका है। इजराइल के लिए सबसे शर्म वाली बात है कि उसके बहुत से बड़े हथियार हमास के गोरिल्ला युद्ध वाले हमले को झेल नहीं पाए। आप हमास के मुकाबले में इजराइल को देखेंगे तो आपको इजराइल की ताकत समझ में आएगी। इसराइल के पास टैंक और बख्तरबंद गाड़ी है, हमास के पास दिखाने के लिए सिर्फ एसयूवी है। इसराइल के पास बड़ी बड़ी तोप है, हमास के पास रॉकेट है। इसराइल एक बड़ी ड्रोन पावर है, वो पूरे गाजा पर 24 घंटे नजर रख सकता है। हमास के पास छोटी दूरी के ड्रोन है जो आत्मघाती हमला कर सकते हैं। इसराइल की सेना 6 लाख से ज्यादा है, हमास के हमलावरों की तादाद 30 से 40 हजार बताई जाती है। इस बार इजराइल पूरी तरह गाजा पर चढ़ाई करना चाहता है और वो इसके लिए अपना सबसे बड़ा टैंक तैयार कर चुका है। इसमें मरकावा 4 टैंक सबसे बड़ा नाम है। लेकिन नेतन्याहू को डर भी है, जो हमास के हमले में ढेर हो गया और फिलिस्तीन के लोग उस पर चढ़ गए। ये इजराइल का नहीं पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक टैंक माना जाता रहा है, लेकिन हमास के एक हमले में ये ढेर हो गया। इसराइल का मरकावा दुनिया के सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक माने जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। ये ऐसा टैंक है जिसे लेकर इसराइल ने फैसला किया कि वो इसे कभी किसी और देश को नहीं बेचेगा। जिस जलते हुए टैंक की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, अब वही टैंक गाजा पर चढ़ाई करने के लिए सबसे आगे रहकर कमान संभालेगा। ये सब नेतन्याहू के फैसले पर निर्भर करेगा। उसी मरकावा टैंक को लेकर बहुत सी बातें हैं जो आज भी इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ही सीक्रेट बनी हुई है। दुनिया इस टैंक के बारे में बहुत सी बातें नहीं जानती है। इजराइल की भाषा हिब्रू में मरकावा का मतलब होता है रथ, और अब इसी रथ पर फिलिस्तीन के लोग सवार है। इजराइल की थल सेना का ये सबसे खतरनाक हथियार हमेशा इजराइल को बड़ी कामयाबी दिलाता आया है। लेकिन हैरत ये भी है कि हमास के पहले हमले में ही ये फेल हो गया। इजराइल ने अरब देशों के साथ 1967 में हुए युद्ध के बाद इसे बनाना शुरू किया। 1973 के युद्ध के बाद इसके डिजाइन में और बदलाव किए गए। 1970 के दशक में बना मरकावा 80 के दशक से ही इजराइल का मेन बैटल टैंक बना हुआ है। ये 65 टन का है, इसके घन 120 मिलीमीटर की है। इससे एंटी टैंक मिसाइल भी फायर की जा सकती है। 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन से ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। जब ये टैंक घुसेगा तो देखना होगा कि एंटी टैंक युद्ध में ये कितना कारगर रहता है, क्योंकि गाजा में मौजूद हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल भी है। इसमें कोई शक नहीं कि वही बारूदी सुरंग भी बिछाई गई होंगी, इसमें भी कोई शक नहीं। हालांकि जब जब हमास ने हमला किया